नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जोधपुर के सामाजिक अंकेक्षण विभाग के सहायक लेखाधिकारी मूलचंद पालीवार को भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा। एसीबी के पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर विष्णुकांत ने बताया कि वह पंचायत समिति जसवंतपुरा और उससे जुड़ी 29 ग्राम पंचायतों की ऑडिट करने गए थे। तब जसवंतपुरा टोल नाके पर रोककर एसीबी की टीम ने उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास से ऑडिट में राहत देने के नाम पर वसूली की गए करीब 2.25 लाख रुपये की नकदी, LG कंपनी की एक LED और एक छत पंखा जब्त किया गया। बीकानेर जिले के छत्रगढ़ क्षेत्र में कुंड की खुदाई करते समय मिट्टी में दब जाने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात को राधासर भाटियान गांव में ये दोनों श्रमिक कुंड की खुदाई कर रहे थे। इस दौरान मिट्टी ढहने से दोनों श्रमिकों की मौत हो गई। उनके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है, अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूर्यनगरी जोधपुर में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण से शनिवार को 2 मरीजों की मौत हो गई। इसमें एक जोधपुर का और दूसरा नागौर निवासी है। महात्मा गांधी अस्पताल में कल देर रात जालोरी गेट क्षेत्र के घाचियों कबास निवासी 93 वर्षीय मिश्रीलाल की मौत हो गई। इसी तरह नागौर जिले में इलाज के लिए जोधपुर लाए गए 45 वर्षीय एक अन्य कोरोना संक्रमित की भी आज सुबह मौत हो गई। बीकानेर जिले में शनिवार को वार्ड नंबर 46 गोपेश्वर बस्ती के लोगों ने पार्षद सुशील कुमार के नेतृत्व में पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मोहल्ले वासियों ने कहा कि जलदाय विभाग द्वारा पानी की सप्लाई कम होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। इस बाबत कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जोधपुर संभाग के जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र में एक युवती का शव पेड़ पर लटकता हुआ मिला। युवती के परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में पता चला कि मृतका की गुरुवार को परिजनों ने गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने युवती को बंधक बनाकर सामूहिक गैंगरेप किया और शव को फंदे पर लटकाया। बीकानेर में शिक्षा विभाग ने नवाचार करते हुए PDLED के अभ्यर्थियों के लिए क्लिक हेल्प सुविधा शुरू की है। परीक्षा समन्वयक श्री प्रसाद के अनुसार अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा एवं उसके बाद प्रवेश प्रक्रिया तक सभी प्रकार की तकनीकी समस्याओं के समाधान एवं सवालों के जवाब तत्काल प्राप्त कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, अभ्यर्थी अपने सवालों के जवाब एवं शंका समाधान का लाइव स्टेटस भी पोर्टल पर देख सकेंगे। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनधारियों का बेमियादी धरना व क्रमिक अनशन शनिवार को भी जारी रहा। शनिवार को पेंशनधारियों ने कुलपति कार्यालय के बाहर कुलपति को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी पेंशनर सोसाइटी व संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर गंगाराम जाखड़ ने बताया कि आज क्रमिक अनशन पर 10 पेंशनधारियों ने शिरकत की। SDF ने जोधपुर जिले के शेरगढ़ से तैना गांव में अवैध रंगाई छपाई इकाई को सीज किया। इकाई संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। SDF के ASP सुनील के पवार ने बताया कि मौके से एक ट्रक में लादे गए 160 थान कपड़ों को सीज करने के साथ 25 अन्य थान अड़ान पर भी सूखते सीज किए गए। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी ने 4 घंटे तक कॉरपोरेट कार्यालय सभागार से सब स्टेशनों के नोडल अधिकारियों से VC के प्रबंध निदेशक ने VC द्वारा इन नोडल अधिकारियों से उनके सब स्टेशनों जहां छीजत अधिक है उसे काम करने के बारे में जानकारी ली। यह नोडल अधिकारी पहली बार इन सब स्टेशनों पर पहुंचे। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए मथुरादास माथुर अस्पताल में वेंटिलेटर प्रदान किए। बैंक के उप महाप्रबंधक सुजीत कुमार ने बताया कि कुछ समय पूर्व भी बैंक के स्टाफ सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था। जोधपुर के मदरसा इस्लामिया अफजल में लॉकडाउन अवधि व ग्रीष्मकाल का खाद्यान्न वितरित किया गया। प्रधानाध्यापिका तबस्सुम खान ने बताया कि पूर्व पार्षद फरजाना चौहान, इलियास मोहम्मद, पूर्व जिला मदरसा प्रभारी व क्षेत्रीय BLO शौकत अली लोहिया की उपस्थिति में मदरसा विद्यालय बच्चों के अभिभावकों को 94 दिन का मिड डे मील योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के 92वें स्थापना दिवस पर जोधपुर काजरी राष्ट्रीय स्तर के 3 अवार्ड से सम्मानित हुआ।
कार्यालय में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा काजरी जोधपुर को राष्ट्रीय स्तर पर कृषि में उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। संत चंद प्रभ महाराज ने जोधपुर के कालाना रोड स्थित संबोधि धाम में फेसबुक पर लाइव प्रवचन देते हुए कहा कि हर किसी व्यक्ति को अपनी भावनाओं को सुंदर बनाए रखना चाहिए। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही हमारा भव होता है। सुंदर चेहरे से सोगना महान आदमी का चरित्र होता है। दुनिया में कोई भी महापुरुष अपने चेहरे के कारण नहीं अपितु बड़ी सोच और श्रेष्ठ चरित्र के कारण महान बने। संत कमल मुनि कमलेश ने आचार्य सम्राट आनंद ऋषि की 121वीं जयंती पर जोधपुर में एकता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कलयुग में संगठन से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। साधनों में सफलता पाने में समय लग सकता है, लेकिन संगठन से दूसरे ही फल सफलता मिल सकती है। लॉयंस क्लब जोधपुर रॉयल्स ने बोरनाड़ा पुलिस थाने के कोरोना कोरम वीरों का सम्मानित किया। अध्यक्ष सुरेंद्र बिश्नोई ने बताया कि क्लब पदाधिकारियों की ओर से पुलिस कर्मियों को पुष्प, मास्क एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कामधेनु सैनिकों ने गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए जोधपुर प्रशासन को अवगत कराया। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्राम पंचायत मोकलावास में गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिस कारण गोवंश को चारा चरने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं होने पर आवारा घूमते रहते हैं। भूख मिटाने के लिए अवशिष्ट कचरा व प्लास्टिक खाकर पशु बीमार हो जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।